हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द नॉलेज अड्डा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अयोध्या के ट्रेडिशनल फूड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अयोध्या के 7 पारंपरिक भोजन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नंबर 1, चाट। ये यहाँ के लोगों का फेमस स्ट्रीट फूड है, जो कि ढेर सारे मसालों और रंग बिरंगी चटनियों से भरे होते हैं। आप खट्टी मीठी चाट का मजा आलू टिक्की, पापड़ी चाट, समोसा, कचौरी के साथ ले सकते हैं। दही बड़ा, ये अयोध्या का फेमस स्नैक्स है। इसमें एक तरफ पुदीना और टमाटर की चटनी का तीखापन और दूसरी तरफ जीरा पाउडर और चाट मसाले का स्वाद इसके और भी स्वादिष्ट बनाता है। कचौरी, यहाँ कचौरी की फिलिंग के रूप में मूंग की दाल, उड़द की दाल और बेसन का यूज किया जाता है, वो भी ढेर सारे मसालों के साथ में, जिससे पुदीने की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ में सर्व किया जाता है। लड्डू, क्योंकि अयोध्या धार्मिक स्थान है, इसलिए लड्डू शहर की सबसे अच्छी मिठाई मानी जाती है। ये हर उत्सव समारोह में इम्पोर्टेंट पार्ट निभाती है। राबड़ी या रबड़ी, ये मिठाई दूध की मलाईदार परतों से बनी होती है, जिसे ड्राई फ्रूट और केसर से सजाया जाता है। दूध को तब तक पकाया जाता है जब तक वो एक तिहाई न हो जाए। अयोध्या के लगभग हर रेस्टोरेंट में थाली का ऑप्शन होता है, जिसमें 2 से 4 चपाती, चावल, 1 दाल, 1 सब्जी, सलाद, अचार, पापड़ और 1 मिठाई होती है। इस थाली का प्राइस इंग्रेडिएंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो अगर आप थाली को ट्राई करने की सोच रहे हैं, तो एक बार कनक रसोई की थाल जरूर ट्राई कीजिएगा, जो कि कनक भवन के पास ही है। लिट्टी चोखा, ये स्मोकी लिट्टी आलू और बैंगन के भरते के साथ में सर्व की जाती है। इसे मिट्टी के चूल्हे पर सेका जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।